Hello student, welcome to my YouTube channel Way to Education. And in this lecture I am going to describe about the characteristics of single phase induction motor. ठीक है, तो जैसा कि आप ये characteristic देख सकते हैं, आप single phase induction motor की characteristic discuss करने का मतलब we are basically discussing the characteristics of torque versus speed. और ये speed क्या है, single phase induction motor में आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, initially self starting होता है और जो हमारा torque होता है वो एडिशनली हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में देखूँ तो हमारा जो इनिशियल टॉर्क है वो क्या है, जीरो है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं. तो पहले ये ग्राफ को देखते हैं. अब यहाँ पर क्या है, दिस एस इज बेसिकली स्लिप. और स्लिप को मैंने कैसे डिफाइन किया था, प्रीवियस लेक्चर में भी डिफाइन किया था. स्लिप इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द स्पीड बिटवीन मीन्स द रोटर एंड द सिंक्रोनस स्पीड. तो इसको ऐसे मैंने डिफाइन किया था, एन एस माइनस एन आर द स्पीड ऑफ द रोटर. अब यहां पर अगर आप देखिए, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये यहां पर स्पीड क्या है, एन एस मीन्स अगर यहां पे स्लिप की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, सो दैट स्लिप वैल्यू इज जीरो बिकॉज दिस इज एन एस एंड दिस एन आर इज ऑल्सो एन एस, सो दिस इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट. सो फॉर दिस पॉइंट दिस स्लिप वैल्यू इज इक्वल टू जीरो. और अगर मिडिल में मैं देखता हूँ, यहाँ पर क्या है, द स्टार्टिंग टॉर्क इज जीरो. स्टार्टिंग टॉर्क इज जीरो, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में. तो अगर स्टार्टिंग टॉर्क जीरो है, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन आर, दिस एन आर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो. सो एट द मिडिल ऑफ दिस ओ पॉइंट दिस स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर एंड दिस एन आर इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज स्लिप इज बेसिकली इक्वल टू, दिस इज इफ यू कैलकुलेट दिस इज इक्वल टू एन एस. और स्लिप परसेंटेज स्लिप हम कैसे, एन एस अपॉन एन एस, सो दिस इज इक्वल टू वन. यहाँ पर भी आपको ये रखना पड़ेगा, एन एस अपॉन एन एस अपॉन एन एस, करेक्ट. सो दिस स्लिप वैल्यू इज इक्वल टू वन. और अगर यहाँ पे देखते हैं, सो दिस इज द बेसिकली द बैकवर्ड टॉर्क. तो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस माइनस एन एस अपॉन एन एस. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी एन एस एन एस मीन्स टू एन एस अपॉन एन एस. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू. ये आपको समझ में आ गया कि स्लिप की वैल्यू यहाँ पे टू, यहाँ पे वन और यहाँ पे जीरो की है. तो ये सेम ग्राफ हम दोनों चीज के लिए यूज कर रहे हैं. अगर आपसे टॉर्क और स्पीड क्या पूछते हैं, तो ये मैं टॉर्क और स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. यहाँ पर स्पीड जो है वो माइनस एन एस है, मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है. यहाँ पे एन एस जीरो है, सिंक्रोनस स्पीड जीरो है. और यहाँ पे जो आपका स्पीड है टॉर्क का, वो एन एस के इक्वल है, मीन्स सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल है. ठीक है, तो इस तरह से आप स्पीड के लिए भी ये ग्राफ यूज करते हैं. और अगर स्लिप की मैं बात करूँ तो स्लिप के लिए भी आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करके बना सकते हैं. ठीक है, अब ग्राफ का नेचर समझते हैं कि एग्जैक्टली ये ग्राफ के नेचर में क्या चीज है. तो मैंने आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में आपको बताया था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम सिंगल सप्लाई इंडक्शन मोटर को दे रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारा फेज है, यानी दो तरीके का फाई जनरेट हो रहा है. मैंने वहाँ पे बताया था, एक आपका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज फाई एम बाई टू एंड अनदर मैग्नीट्यूड इज माइनस फाई एम बाई टू. सो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि दो टाइप के टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड फील्ड टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और एक बैकवर्ड फील्ड टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसके विषय में आपको डिस्कस किया है. तो अगर मैं कहीं पर भी रिजल्टेंट टॉर्क जो होगा, रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा रिजल्टेंट टॉर्क. ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड टॉर्क का रिजल्टेंट होगा. तो अगर किसी भी पॉइंट पे देखो, जैसे अगर मैं मिडिल पॉइंट पे ले रहा हूँ एट एस इज इक्वल टू वन, इस पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ एट एस इज इक्वल टू वन, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जो हमारा बैकवर्ड टॉर्क है यानी ये पॉइंट, ठीक है, और जो हमारा फॉरवर्ड टॉर्क है ये पॉइंट, अगर इन दोनों की वैल्यू में देखो तो एग्जैक्टली अपोजिट है. और अगर इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली अपोजिट है तो हमारा रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो जाएगा मतलब हमारा मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा. और यही प्रॉब्लम था इंडक्शन फेज में भी, मैंने आपको डिस्कस किया था. तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सेल्फ स्टार्टिंग जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है. क्यों, क्योंकि इनिशियली टॉर्क क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. अब वहाँ पर मैंने एक और चीज़ डिस्कस किया था कि अगर इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो उसके लिए मैंने वेरियस टाइप्स के आपको इंडक्शन मोटर डिस्कस किए थे, जैसे स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर डिस्कस किया था, सीडेड पोल इंडक्शन मोटर डिस्कस किया था, कैपेसिटर स्टार्ट. तो बेसिक पर्पस क्या था हमारा सेल्फ स्टार्टिंग का, टू क्रिएट द मीन्स द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू
वाइंडिंग, और उसके कारण क्या होता है, जो हमारा बैकवर्ड फील्ड और फॉरवर्ड फील्ड है उन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है, और अगर वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं है तो हमारा रिजल्टेंट टॉर्क कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे कि अगर मैं ग्राफ में देखूं इस साइड, अगर फॉरवर्ड, यहां पर क्या है, जो फॉरवर्ड फील्ड टॉर्क है ये आप देख सकते हैं दिस वैल्यू, ये जो फॉरवर्ड फील्ड टॉर्क है और यहां से ये बैकवर्ड फील्ड टॉर्क है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो फॉरवर्ड फील्ड टॉर्क है उसकी वैल्यू ज्यादा है बैकवर्ड फील्ड टॉर्क से, तो यहां पर अगर मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करता हूं फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, तो मेरा रिजल्टेंट टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये आप ग्राफ में देख सकते हैं, जो सॉलिड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो जब भी हम फॉरवर्ड फील्ड टॉर्क आपके बैकवर्ड फील्ड टॉर्क से ज्यादा है तो जो रिजल्टेंट है वो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉर्क जो है इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम इस साइड स्लिप की वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। स्लिप की वैल्यू रिड्यूस करने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं दिस, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी, करेक्ट, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे जैसे हम स्लिप की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, और या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे रोटर की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपका जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो इस तरह का ग्राफ बना है, ठीक है। अगर यही चीज मैं बैकवर्ड में देखूं, अगर मान लीजिए मैं रोटर की स्पीड को बैकवर्ड में रोटेट कर रहा हूं, बैकवर्ड फील्ड टॉर्क की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर बैकवर्ड फील्ड की टॉर्क की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो ग्राफ बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि जो रोटर है हमारा वो बैकवर्ड मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर रोटेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है फॉरवर्ड के लिए, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा चीज ये है कि इनिशियली अगर इन दोनों ग्राफ को मैं देखूं, तो इनिशियली इस ग्राफ को देखते हैं, यहां पर क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में यहां तक टिल दिस पॉइंट क्या हो रहा है कि जैसे ही जैसे जैसे आप टॉर्क, ठीक है, तो जैसे जैसे ही मैं ये फॉरवर्ड टॉर्क यहां पर अगर इस केस में देखो, तो इनिशियली क्या हो रहा है, देखिए जो आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जैसी प्रॉपर्टी है सेम वैसी प्रॉपर्टी है। इनिशियली क्या हो रहा है कि जो आपका स्लिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टॉर्क के। तो यानी अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये वाली स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो हमारा टॉर्क क्या है, इंक्रीज हो रहा है करीब करीब लीनियरली, ये आप देख सकते हैं ग्राफ से लीनियरली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम मैक्सिमम स्पीड तक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि एक लीनियरली डिक्रीज है टॉर्क का, ठीक है, जैसे कि आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये जो ग्राफ है, ये जो नेचर है ग्राफ का, ये बिल्कुल सेम है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस यही है कि यहाँ पर ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, और अगर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो उसके लिए मैंने आपको टेक्निक बताया हमें कैसे इनिशियली टॉर्क उसको दे सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो रोटेट हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनिशियली टॉर्क में देखिए नेचर, बेसिक नेचर सेम रहेगा, जो आपका ये नेचर है ये सेम रहेगा, बट डिफरेंस कहाँ पे होगा, स्टार्टिंग टॉर्क का। क्योंकि अगर हम कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर या स्प्लिट पोल इंडक्शन मोटर, कोई भी इंडक्शन मोटर यूज करें, तो उसमें इनिशियली टॉर्क जीरो नहीं होगा, उसमें टॉर्क की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और बेसिक पर्पस ही हमारा यही है उसको यूज करेंगे। तो ये वो ग्राफ भी देख लेते हैं एक बार जस्ट रिव्यू करने के लिए। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये ग्राफ में क्या है, सेम आपका देखिए वही कैरेक्टरिस्टिक है, इनिशियली जो आपका जैसे जैसे स्पीड को हम इंक्रीज करें, ये जो आपका टॉर्क का ग्राफ है, और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं यूज कर रहा हूँ मान लीजिए शेडेड पोल, दिस वन शेडेड पोल, तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली टॉर्क है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल लोड पे टॉर्क है। उसी तरीके से अगर परमानेंट शेडेड पोल यूज कर रहा हूँ या स्प्लिट फेज यूज कर रहा हूँ, तो इन सभी में आप देख सकते हैं इनिशियली जो है टॉर्क की वैल्यू है। और सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था अगर कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर हम यूज करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे टॉर्क होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा टॉर्क किसका होगा, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन का, उसके बाद होगा कैपेसिटर स्टार्ट का, और लाइक दैट ये होगा, ठीक है। तो अगर हम इंडक्शन मोटर में कोई भी इनिशियली स्टार्टिंग सर्किट यूज नहीं करें तो उस केस में हमारे टॉर्क की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, अदरवाइज ये टॉर्क की वैल्यू रहेगी। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन से, दिस वन, दिस इज बेसिकली द चेंज ओवर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो स्विच का चेंज ओवर हो रहा है, यानी आपको पहले मैंने बताया था कैपेसिटर कनेक्ट होगा और जब वो स्पीड में मतलब इनिशियली टॉर्क आ जाएगा, यहाँ पे क्या होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो डिसकनेक्ट हो जाता है, तो वो चेंज ओवर स्विच का ये ग्राफ थोड़ा सा आपका डिस्टॉर्टेड टाइप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ओके, सो थैंक यू फॉर द क्लास।